हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार शेयर लेकर आया हूं, जो कि आईटी सेक्टर का शेयर है और अपने सेक्टर में ये तीसरे या चौथे नंबर की कंपनी है। जैसा कि मैं आप लोग को यहां पर नीचे दिखाऊंगा कि अपने सेक्टर में देखिए तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। और दोस्तों, ये इतना शानदार कंपनी है कि इसने लगभग लाखों लोगों को करोड़पति बना दिया है। दोस्तों, अगर आप इसके शेयर मात्र लेकर अगर डिलीवरी में रख लेते हैं कुछ सालों के लिए, तो आपको ऐसे ही स्प्लिट होकर, चाहे बोनस देकर चाहे डिविडेंड देकर, ये ऑटोमेटिक आपके पैसे इंक्रीज होते रहेंगे, कंपाउंड होते रहेंगे। अगर मैं इसके दिखाऊंगा आपको कि कितनी बार इसने बोनस दिया है, डिविडेंड दिया है, स्प्लिट हुआ है, और इसके रिटर्न हर साल लगभग 15 से 20% या 30% का एवरेज आता है इसका रिटर्न। वो रिटर्न तो अलग देती है, डिविडेंड अलग देती है, बोनस अलग देती है, शेयर आपका स्प्लिट होता है वो अलग। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत पसंद है ये स्टॉक और मैं हमेशा इसमें SIP करता रहता हूँ। आप लोग को भी करना है तो करिए, लेकिन उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा लेकर ही करिए आप लोग। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये शेयर कैसा है हमें लॉन्ग टाइम के व्यू पर, और हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड और मार्केट कैप है इसका 1,59,000, जो कि एक बहुत बड़ा लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 263 रुपये, 52 वीक इसका हाई है 301 रुपये और 52 वीक लो है इसका 207 रुपये। स्टॉक का बुक वैल्यू है 93 रुपीज़, स्टॉक का PE है 17, डिविडेंड यील्ड है 0.38%, ROC है इसका 19%, ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 17% और सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में रही है 4% की। फेस वैल्यू है इसका 2 रुपये। देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे बढ़ता है, ये नहीं कि रिलायंस के जैसा या एस्ट्रल के जैसा या आरती इंडस्ट्रीज के जैसा ऐसा फटाफट ऊपर नीचे नहीं जाता है, आराम से चलता है। लेकिन आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ये ज़रूर आपको पैसे अच्छा खासा देगा। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, देखिए कितना अच्छा इसका चार्ट ऊपर की तरफ गया है, 45 डिग्री के एंगल में बनाते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम इसका देखते हैं कम मार्केट कैप, तो यहाँ पर 1,59,000 है, उसके ऊपर सबसे फर्स्ट नंबर पे है TCS 8,42,879 मार्केट कैप है, इतना हज़ार करोड़। उसके बाद है इन्फोसिस का जो कि 3,38,271 करोड़, और इसका विप्रो का है 1,59,031 करोड़ का, और HCL टेक्नोलॉजी है, उसके बाद टेक महिंद्रा है। ये पांच कंपनियां उसमें आईटी सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनियां हैं। ये पांचों में आप ट्रेड करिए, सिर्फ स्विंग ट्रेड करिए या शॉर्ट टर्म के करिए या इन्वेस्टमेंट करिए, सारी ये ऊपर की जो पांच कंपनियां हैं काफ़ी शानदार कंपनी है दोस्तों। तो इसमें हमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते हैं, तो फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूं। इसका सेल्स हुआ था देखिए 2016 में 13,766 करोड़ का, और अभी देखिए इसका 2019 में 14,786 करोड़ का। नेट प्रॉफिट उसका हुआ था यहाँ पर 2016 में अगर हम लोग देखते हैं तो 2,077 करोड़ का, अभी देखिए 2,388 करोड़ का इसका हुआ है। ओवरऑल अगर इनका प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो इसका 2008 में सेल्स हुई थी 19,980 करोड़ की, और अभी 2019 में 59,574 करोड़ की। नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं 2008 में तो 3,283 करोड़, और अभी देखिए 9,270 करोड़। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तक इसका हम देखते हैं तो पिछले 10 साल में रहा है 8% का, पिछले 5 साल में 6% का, और पिछले 3 साल में है 4% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम इसका देखते हैं तो पिछले 10 साल में है 8% का, पिछले 5 साल में है 2% का, और पिछले 3 साल में है 1% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 20%, 18%, 16%, 17% का एवरेज लेकर ये चलती है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 15 से 30% के बीच में ये हर साल आपको रिटर्न दे देती है। तो चलिए हम इसके चार्ट पर देखते हैं और देखते हैं इसमें खासियत क्या है दोस्तों, कि मार्केट 1,000 पॉइंट गिर गई है, 1,000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई थी एक टाइम पे पिछले 2 हफ्ते में, लेकिन ये स्टॉक को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसी रेट पे खड़ा रहा एकदम, क्योंकि ये इसका सपोर्ट जो एक ट्रेंड लाइन है उसको मैं दिखाऊंगा आप लोग को। ये स्टॉक मतलब हिला ही नहीं अपनी जगह से, ना ऊपर गया ना नीचे आया, मतलब इतनी भारी गिरावट में कोई भी स्टॉक टिक नहीं पाया, चाहे वो HDFC हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे रिलायंस हो, लेकिन इस स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे स्टॉक में दोस्तों आप लोग निवेश करिए। चलिए मैं इसके चार्ट पर आप लोग को लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने विप्रो का चार्ट खोली अपने जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर देखिए हम लोग अगर इसका वन डे का कैंडल खोल कर देखते हैं तो ये ब्लू कलर की लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रही है ये ब्लू कलर की लाइन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, जो कि वन सेकेंड मैं देख लेता हूँ कौन सा डेट था ये। देखिए पिछले महीने अक्टूबर महीने से लगभग ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए टच किया जब तो यहाँ से बाउंस किया, फिर नीचे आया और यहाँ पे टच किया तो फिर से यहाँ पर बाउंस किया स्टॉक में, फिर से यहाँ पर टच किया, तो एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली जो कि 301 रुपये के लगभग थी।
फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, और अब की बार थोड़ा गिरावट ज़्यादा थी क्योंकि इस भारी गिरावट में कोई स्टॉक बच नहीं पाया। तो यहाँ पर फिर भी देखिए अपने ये सपोर्ट को कंटिन्यू या फॉलो कर रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ टच करने की कोशिश किया लेकिन फिर से यहाँ पर एक बाउंस आया जो कि था यहाँ पर 374 रुपये। अब यहाँ से बाउंस किया ये स्टॉक ने इस वाला रेट से, देखिए 255-54 रुपये के आसपास से फिर 272, यहाँ पर लगभग 7-8% का रिटर्न आपको मिला। फिर से स्टॉक देखिए नीचे की तरफ आया और यहाँ पर इसने 257 रुपये का लो बनाया और फिर से ये स्टॉक 2-3 दिन के अंदर 268 रुपये चला गया है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा शेयर है कि ये पूरी भरी मार्केट में कोई नहीं बच सका लेकिन ये स्टॉक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दो हफ्ते से के बीच में देखिए 270 रुपये से लेकर 260 रुपये के बीच में ये स्टॉक पिछले दो हफ्ते से घूम रहा है। और इसका अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं कि बोनस में आप लोग को दिखाऊँ तो ये स्टॉक ने कितनी बार बोनस दिया है कुछ ही सालों के अंदर, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को इसका बोनस दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका बोनस निकाल लिया है जो कि लगभग 2004 से के बाद से है, उसके पहले का बोनस छोड़ दीजिए क्योंकि इसके पहले तो बहुत जल्दी जल्दी देता था और इतनी बड़ी लिस्ट आप लोग जानकर क्या करेंगे। देखिए इसने बोनस दिया था 2004 में अगर हम लोग देखते हैं, या ऊपर देखिए फर्स्ट में 2019 में दिया था इसने, 6 मार्च 2019 को दिया था 1:3 का इसने बोनस दिया था, बोनस रेशियो था 1:3 का। और जून 13 जून 2017 में दिया था 1:1 का इसने बोनस दिया था, पंद्रह जून 2010 में दिया था 2:3 का बोनस इसने दिया था, अगस्त 22 2005 को इसने 1:1 का बोनस दिया था और जून 25 2004 में इसने 2:1 का बोनस दिया था। तो मात्र अभी ये देखिए 13-14 साल के अंदर इसने लगभग 5 बार तो आपको बोनस दे दिया और हर टाइम 1:1 या 1:3, मतलब अगर 5 साल पहले ही, अगर 14-15 साल पहले ही अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट किया होता 100 शेयर लेके, तो ऑलरेडी आपके 1,500 शेयर आज के टाइम पे हो गए होते। तो कितना सोचिए कितना बड़ा रिटर्न है दोस्तों। अगर मैं इसके रिटर्न भी दिखाऊँ आप लोग को लॉन्ग टाइम फ्रेम पर, तो रिटर्न भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। और ये नहीं कि खाली ये बोनस या स्प्लिट होता है शेयर या बोनस देती है, डिविडेंड देखिए डिविडेंड भी ये कंपनी साल में 2 बार देती है डिविडेंड, तो वहाँ पर डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बोनस कंपनी अच्छी खासी देती है, वो भी आपका फ़ायदा है। शेयर आपका स्प्लिट होता है वो भी आपका फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इसके रिटर्न भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पर इसने हमें कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो आपको कोई दूसरा शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप विप्रो में या ऐसी कुछ 8-10 कंपनियां ढूंढ लो और उसी में सिर्फ आप अपने पैसे को निवेश करो लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। तो चलिए हम इसके रिटर्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर आपने मैंने पिटारा पर खोल लिया है विप्रो का चार्ट और हम लोग देखते हैं इसका रिटर्न। 1 वीक में कुछ नहीं रिटर्न है इसके और 2 वीक में भी फ्लैट रहा है, 1 मंथ में भी देखिए फ्लैट ही रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं है इसके। 3 महीने में देखिए 9% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में 5% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं। ईयर टू डेट में इसने रिटर्न दिया है 26% का, देखिए काफ़ी शानदार है। पूरी मार्केट गिर रही है और ये 26% का रिटर्न देकर खड़ा है 1 साल में, और 3 साल में इसके रिटर्न है 27% के, और पिछले 5 साल में 28% के, और पिछले 10 साल में इसके रिटर्न है 131% के। क्योंकि इतनी बोनस और इतना स्प्लिट हुआ है, इतना डिविडेंड आपको दिया है, इसके बाद भी 131% का रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है मुझे लग रहा है। क्योंकि इसके बोनस से ही आप इतना सारा शेयर आपको मिल जाएगा कि आपको रिटर्न की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भी तो एक रिटर्न ही है दोस्तों। अगर आपके पास 100 शेयर 1000 शेयर हो जाते हैं तो ऑलरेडी आपकी कैपिटल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि वो 100 या 1000% का रिटर्न के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।